हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पालक रोटी की रेसिपी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इस रेसिपी के थ्रू बच्चों को भी इजीली पालक खिला सकते हैं जो कि पालक खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने भगोने में पानी लिया है जिसे गर्म होने के लिए रखेंगे, और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। मैंने इसमें एक बंच पालक का यूज़ किया है, और पालक को पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है, सिर्फ एक भाप आने तक उसको नरम हो जाए बस इतना ही उबालना, और फिर फ्लेम बंद कर देना है। ज़्यादा उबालने से उसके पौष्टिक तत्व ख़त्म हो जाएंगे, और ये पालक जब ठंडा हो जाएगा तो उसे मिक्सर ग्राइंडर में हम एक पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट बन गया है। अभी मैंने 2 कप आटा लिया है गेहूँ का, उसमें हम हमारा पालक का पेस्ट ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून सौंफ ली है, अजवाइन ली है 1/4 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लिया है 1/4 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर लिया है, टर्मरिक पाउडर, सबको 1/4 टेबल स्पून लिया है। सिर्फ रिफाइंड ऑयल या घी कुछ भी आप ले सकते हो 2 टेबल स्पून। सभी को अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। पानी जो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि आटा जो है गीला नहीं होना चाहिए, हम सॉफ्ट सा डो में रेडी करना है। यह आटा लग चुका है, इसको थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। और ये हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बना के रोटी तैयार करेंगे। पालक की रोटी दिखने में बहुत कलरफुल होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो अच्छी लगती है बच्चों के लिए, बहुत एक्साइटिंग होती है कि देर इज समथिंग कलरफुल। तो ये बहुत आसान तरीका होता है बच्चों को पालक खिलाने का। कुछ बड़ों को भी नहीं पसंद होता है पालक, तो वो भी इसके थ्रू आराम से पालक खा सकते हैं। तो इससे पालक भी चला जाता है पेट में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पराठा भी बना सकते हैं, अगर किसी को रोटी नहीं पसंद है तो हम इस तरह से पराठा भी बना सकते हैं पालक का। और ये रोटी को और पराठे को दोनों को सेक लेंगे अच्छे से। यहाँ मैं पहले रोटी को सिर्फ तवे पे सेक के दिखा रही हूँ कि इस तरह से सिर्फ तवे पे सेक सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट करेंगे, रोटी को सेक लेंगे। और यहाँ पे रोटी पे घी लगा रहे हैं, आप चाहे तो बिना घी के भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। और यहाँ मैं रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पे सेक के दिखा रही हूँ कि डायरेक्ट तवे पे ना सेक के डायरेक्ट फ्लेम पे भी सेक सकते हैं इस तरह से, जैसे भी आपको पसंद है। और ये पराठे को सेक रहे हैं अभी, पराठे को डायरेक्ट तवे पे हम घी तेल जो भी आप यूज़ करते हैं अप्लाई करके तवे पे ही सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने रोटी पराठा सब रेडी कर लिया है। तो आप पालक की रोटी को या पराठे को सब्जी के साथ, रायते के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, जैसे भी आपको पसंद है खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।